हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट का एक और एक्साइटिंग एपिसोड, जिसमें हम देखेंगे कि बैटमैन के मरने के बाद आखिर नया बैटमैन बना कौन, और साथ ही साथ ब्रूस वेन के मरने के बाद बैट फैमिली के साथ क्या हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और साथ ही साथ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि आखिर नया बैटमैन बना कौन। सबसे पहले हम देखते हैं गौतम सिटी में, जहाँ पर थॉमस और मार्था वेन के ग्रेव के साइड में ही ब्रूस वेन की ग्रेव खुदी हुई थी, और उसके कॉफिन में ब्रूस वेन की स्कल नहीं थी। बाकी सभी स्केलेटन अपनी जगह पर थे, बाकी सभी बोन्स, लेकिन उसका स्कल अभी भी गायब था। वहां पर बैटमैन और रॉबिन यानी कि डैमियन वेन वहां पर आकर इंस्पेक्ट कर रहे थे, और बैटमैन रॉबिन से कहता है, इस तरह से ग्रेव खोदकर कोई क्या कर सकता है। इस पर रॉबिन कहता है, ये फर्स्ट इंप्रेशन तो कुछ खास नहीं रहा। इस पर वो कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो रॉबिन। तब रॉबिन बताता है कि कोई भी बच्चा अगर अपने ग्रैंड पेरेंट से मिलता है तो इस तरीके से वो अपने ग्रैंड चाइल्ड का या फिर ग्रैंड चाइल्ड अपने ग्रैंड पेरेंट्स का स्वागत तो नहीं करते होंगे। तब बैटमैन अपना केप उतारकर उन डेड बॉडीज पर रखते हुए रॉबिन से कहता है, तो अब हमें ब्रूस का स्कल ढूंढकर वापस यहीं पर लाना होगा, यही जहाँ पर उसका असली घर है। साथ ही साथ हमें थॉमस और मार्था वेन के इस ग्रेव का भी कुछ करना होगा, और ब्रूस का स्कल वापस लाकर हमें इस बंकर में जो कि वेन टावर के नीचे है वहीं पर रखना होगा, क्योंकि वो वहीं पर सेफ रहेगा। और वो दोनों अपना अपना केप उतारकर उन डेड बॉडीज पर रखते हैं और वहां से जाने लगते हैं। जहां पर जाते हुए बैटमैन रॉबिन से कहता है, और हमें जाकर पहले ये ढूंढना होगा कि ग्रीन लैंटर्न और फ्लैश आखिर गए कहां पर है और लड़ किससे रहे है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिमालय में, जहां पर डेडमैन खुद से कह रहा था, मैं इन सबसे तंग आ चुका हूँ, सभी जगह से, सभी तरीके से, इस पूरी दुनिया से। मुझे लगा कि इस दुनिया के टॉप पर मुझे अपने आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं गलत था, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये वर्ड्स जो मेरे आसपास है वो वर्ड्स नहीं है, वो कहना है डेड का डेडमैन से, और वो मुझे उसकी तरफ और उन्हें मेरी तरफ ला रहे हैं, और जहाँ पर मैं जाकर रेस्ट कर सकता हूँ वो एक ही प्लेस है, लेकिन वो रेस्ट करने के लिए मैं अब वहाँ नहीं रहा, मैं अब घोस्ट बनने वाला था, ये मुझे पता भी नहीं चला। मेरी हड्डियाँ मदद के लिए चिल्ला रही थी किसी ऐसे से जो कि उसे बचा सके, लेकिन एक शब्द जो मैंने सुना, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ उसके पीछे से एक ब्लैक रिंग आ रही थी जो फ्लैश कह रही थी, और उसे देखते ही डेडमैन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी कब्र पर बैठा डेडमैन उसे रोकने में नाकामयाब साबित होता है, और तब वो घुस जाती है उसकी कब्र में, और साथ ही साथ बोस्टन ब्रांड फिर से जिंदगी में वापस आ जाता है, और ये देखते ही वो कहता है, और जब मैंने देखा कि मेरी डेड बॉडी फिर से जिंदा हो रही है तो मैंने वही किया जो मैं हमेशा से करता हूँ, मैं अपनी डेड बॉडी या फिर अपने खुद के बोन बैग से फिर से अटैच हो गया उसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन मैं गलत था, मैं इस बार बिल्कुल गलत था, क्योंकि मैं फिर से डार्क में जा रहा था, जिससे मैं उभर रहा हूँ मैं उसी में फंसता जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरी बोन्स किसी और के इशारे पर, किसी और के आइडिया पर चल रही है, और जब मैंने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की तो मैं अपना सारा पेशेंस खो चुका था, और मैं हॉरर के उस जंजाल में फंसने लगा था, और जब मैं बाहर आया तब मुझे एक ऐसा दर्द हुआ जो कि मुझे मेंटली और फिजिकली बहुत ही कमजोर कर चुका था। इतना पेन मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था, मरने के बाद मैंने पेन महसूस करना बंद ही कर दिया था, लेकिन इस बार पेन बहुत ज्यादा था, और इस वजह से मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए मैं सिर्फ पंचेस मारने लगा अपनी बॉडी पर, लेकिन वो हर बार की तरह आर पार निकल गए, और मैं वहाँ खड़ा देखता रहा, और मैं कुछ भी नहीं कर सका, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे किसी ना किसी से मदद मांगनी होगी, कोई ऐसा जिस पर मैं भरोसा कर सकूं, कोई ऐसा जिसके शरीर में मैं पहले भी रह चुका हूँ, और वो वहाँ से उड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ 25,000 फीट गौतम सिटी के आसमान में वहाँ पर कुछ सोल्जर्स कुछ विलन्स की डेड बॉडीज लेकर जा रहे थे, और तभी उन्हें रडार पर कुछ हलचल दिखती है, जिस पर एक पायलट अपने को पायलट को कहता है कि वहाँ पर कुछ आ रहा है, फिर वो क्लॉक की तरफ से कुछ बढ़ रहा है बहुत तेजी से, और वो इससे आगे कुछ कह पाता तभी ब्लैक रिंग्स आकर उस प्लेन में दाखिल हो जाती है, और वहाँ पर खड़े गार्ड्स को जीतते हुए वो सभी विलन्स को एक एक करके जिंदा करने लगती है, और जैसे ही वो विलन्स जिंदा होते हैं सबसे पहले वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है, और उसमें से सुपर विलन्स की एक ब्लैक लैंटर्न कॉप आर्मी बाहर निकलती है, और इसी के साथ वो सारे लोग राइज होने लगते हैं। दूसरी तरफ गौतम सिटी में जमीन पर
रॉबिन और बैटमैन कहीं जा रहे थे, जहाँ पर बैटमैन से रॉबिन कह रहा था ये बहुत ही घिनौना है। इस पर कहता है क्या घिनौना है, इस पर वो बताता है कि मुझे जब पता चला कि मेरे पिता कौन है और जब मैंने खुद को साबित करने की और खुद की जिम्मेदारियां समझने की कोशिश की तब तक सब कुछ खत्म हो चुका, जैसे कि एक बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ बूम। थोड़े दिनों बाद ब्रूस चला गया और सिर्फ मैं बच गया। इस पर बैटमैन उससे कहता है डैमियन क्या तुम वेन मैनोर में काम करते हो, उस बंकर में जो कि वेन टावर के नीचे है। इस पर रॉबिन कहता है हाँ। बैटमैन का अगला सवाल था क्या तुमने रेड येलो और ग्रीन यूनिफॉर्म पहना हुआ है। इस पर रॉबिन कहता है हाँ। और वो आगे पूछता है और क्या तुम अभी बैट मोबाइल पे बैठे हो उस आदमी के सामने जिसने बैट सूट पहना हुआ है। इस पर वो जवाब देता है हाँ। तब बैटमैन चिल्लाकर कहता है तो फिर अपना मुंह बंद रखो और ये समझ लो कि तुम जो करने जा रहे हो वही तुम्हें करना है। इस पर वो कहता है मैं फिर से नहीं होने देना चाहता। इस पर बैटमैन उससे पूछता है कि क्या नहीं होने देना चाहते। इस पर रॉबिन कहता है मैं डेथ के सामने अपने घुटने नहीं टेकूंगा, ना ही मैं उसे डरूंगा, मैं किसी चीज से नहीं डरता। इस पर वो कहता है तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन रॉबिन उससे पूछता है क्या तुम किसी चीज से डरते हो। इस पर वो बताता है किस चीज से। इस पर रॉबिन उससे कहता है डेथ से, क्या तुम डेथ से डरते हो। इस पर बैटमैन उसको जवाब देता है नहीं, मुझे पक्का यकीन नहीं है, लेकिन जब मैं बच्चा था तब स्विंग करता था अपने पेरेंट्स के साथ हाई वायर्स पर और ऐसे ही मेरी लाइफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ नहीं, कुछ हद तक। अजीब सिर्फ ये था कि मैं एक कदम आगे चला गया था अपनी लाइफ में। मैंने कुछ ऐसा वियर्ड किया जिसने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी, एक नया कॉस्ट्यूम। और रॉबिन आगे कहता है और एक नई फैमिली भी। इस पर बैटमैन कहता है हाँ नई फैमिली, ये इतना सिंपल तो नहीं था। लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ कह पाता डेडमैन तब तक बैटमैन के शरीर में घुस चुका था और उसके शरीर में घुसते ही उसे ये पता चलता है कि ये बैटमैन ब्रूस वेन नहीं बल्कि कोई और ही है। और वो उसके सारे स्नैपशॉट्स देखने लगता है और तभी वो चिल्लाकर कहता है ग्रेसन तुम बैटमैन बन चुके हो, ब्रूस मर चुका है और ये बच्चा जो मेरे सामने बैठा है वो कौन है। इतना सुनते ही रॉबिन उस पर अपने पंचेस की बौछार करने लगता है, लेकिन बैटमैन के अंदर से डेडमैन उसे कहता है देखो मुझे कुछ स्नैपशॉट्स मिले हैं, मैं इन्हें सेंस कर सकता हूँ, मैं लोगों को सुन सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी के बिना उनके शरीर से बाहर नहीं निकल सकता। अब सुनो, ब्लैक हैंड के पास वेन की स्कल है और वो उसे लिक कर चुका है, उसने उसे ब्लैक एनर्जी के काउल में रखा हुआ है। वहाँ पर एक ब्लैक लैंटर्न बैटरी है बहुत बड़ी डीप स्पेस में कहीं पर, और उन ब्लैक रिंग्स ने गार्डियंस को भी अपने कब्जे में ले लिया है और इसी वजह से डेड्स अब फिर से जिंदगी में आ रहे हैं। पूरे अर्थ पर डेड्स वापस आ रहे हैं, पूरे यूनिवर्स पर, और वो सभी को फीड करना चाहते हैं सभी को। लेकिन तब तक डैमियन के पंच की वजह से बैटमैन उस कार के ऊपर का कंट्रोल खो चुका था और वो कार जाकर एक खाई में गिर जाती है और खाई में बाहर निकल कर डेडमैन उसे कहता है अपने नकल्स के साथ मुझे खरोचना बंद करो। और वो उसे स्टॉप करके कहता है मेरा नाम बॉस्टन ब्रांड है, मेरे दोस्त और एनिमीज मुझे डेडमैन कह के पुकारते हैं, मैं एक एरलिस्ट था लेकिन मुझे मार दिया गया और तब से मैं घोस्ट बन चुका हूँ, तो मेरी बात अब ध्यान से सुनो, मैं किसी भी जिंदा आदमी को कंट्रोल में कर सकता हूँ, उनके स्किल्स और होपिंग का इस्तेमाल करके उन्हें अपने मन मुताबिक काम करवा सकता हूँ जैसे कि मैं तुमसे करवाऊंगा। और तभी वो बैटमैन के शरीर से निकलकर रॉबिन के शरीर में चला जाता है और वो बैटमैन से कहता है तुम्हें देखकर अच्छा लगा, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई। इस पर बैटमैन उसे पहचान जाता है और वो कहता है तो तुम इस बार यहाँ पर क्यों आए हो। तब वो उसे सारी हकीकत समझाने लगता है और उसे कार में बैठकर एक जगह जाने को कहता है, लेकिन तब हम देखते हैं कि वो उसकी बात ना सुनते हुए यहाँ पर ग्रेवयार्ड में आ चुका था। इस पर रॉबिन उसे पूछता है कि आखिर ब्रूस के साथ क्या हुआ था। तब बैटमैन बताता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। और तब हम देखते हैं कि दो रिंग्स वहाँ पर जॉन और मेरी ग्रेसन के ग्रेव में आ चुके थे और उन दोनों को राइज करने वाले थे। दूसरी तरफ चैक ड्रेक और जेनेट ड्रेक भी जिंदा होने वाले थे। वही यहाँ दूसरी तरफ डैमियन का पूरा ब्रेन चेक करने के बाद डेडमैन बैटमैन से कहता है कि इस बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है। इस बच्चे के साथ बहुत सारे इश्यूज है, इतने इश्यूज कि मैं कभी कंट्रोल भी नहीं कर सकता और इतने इश्यूज कि इसे मेरी जरूरत है। इस पर बैटमैन उसे कहता है तुम उसके शरीर से अभी बाहर निकलो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉन और मेरी ग्रेसन अब जाग चुके थे दोनों ही। और तभी यहाँ पर डेडमैन को अपने माइंड में कुछ फील होता है और वो कहता है वो आ रहे हैं, मैं अपना फोकस नहीं कर पा रहा।
मैं अब इसके शरीर से बाहर निकलने वाला हूँ। और तब हम देखते हैं कि जॉन और मेरी ग्रेसन अब राइस हो चुके थे। उसी तरफ डेडमैन दर्द से कराह रहा था और कह रहा था वो भूखे है, वो बहुत ज्यादा भूखे है। और तभी वो डेमियन की बॉडी से बाहर निकल जाता है और बैटमैन डेमियन को संभाल लेता है। यहाँ पर डेडमैन उस दर्द से कराहे जा रहा था लेकिन उसे अब कोई सुन भी नहीं पा रहा था। और तभी बैटमैन और रॉबिन दोनों ही एक तरफ पढ़ने लगते हैं, जहाँ पर बैटमैन उसे बताता है कि उस सेमेट्री की तरफ पढ़ रहे हैं जहाँ पर मेरे पेरेंट्स दफन है, और अगर जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा उनके साथ हुआ तो हमारा काम मुश्किल होने वाला है। तब उस सेमेट्री में पहुंचकर जब बैटमैन रॉबिन और डेडमैन देखते हैं उसके साथ ही, बैटमैन के मुंह से यही सब निकलता है, ओह माय गॉड। इस पर डेडमैन कहता है वार्ता इसे कुछ भी लेना देना नहीं है। ये देखते ही बैटमैन सबसे पहले टिम को कॉल करता है और तब हम देखते हैं कि टिम पेरिस में था एक विलेन से लड़ते हुए, जहाँ पर वो कह रहा था मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। लेकिन बैटमैन उसे इंटरप्ट करते हुए बीच में ही कहता है तुम्हारे पेरेंट्स की ग्रेव एम्प्टी हो चुके है टिम, और अब तुम्हें यहाँ आना ही होगा। इतना सुनते ही वो वहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी रॉबिन कहता है कि अच्छा हुआ तुमने कॉल कर लिया, क्योंकि हमें अब काफी मदद की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मदद के बिना सुलझाई नहीं जा सकती। और तब हम देखते हैं कि बैट सिग्नल जो कि आसमान में प्रोजेक्ट तो हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर सारे डेड्स राइज होकर उस बैट सिग्नल पर दिखाई दे रहे थे। तो इसके साथ ये वीडियो यही पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपके पास इस वीडियो के अलावा कोई और जानकारी है तो भी मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।